आज ही किधर गया अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल के एस पी हाड़ी फॉर्जी से। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वहाँ थोड़ा सा रेव्यू देसी टाइप का है, जुमतुल मुबारक जुमे है। तो अगर अभी बकर भाई भी घर में हम अनबॉक्सिंग करते थोड़ा अभी वहाँ पे अभी एक घंटा पूरा पड़ा है जुमा को ना, ये 10 मिनट की वीडियो है। हमने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे रुकी है, जहाँ पे आके वीडियो शूट करते हैं ताकि वो कुछ प्रॉब्लम ना हो। बाकी बटल ऑफ थैंक्स अनुमान को, आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया। आज की जो वीडियो है अनबॉक्सिंग वीडियो है, ऐसा S9S ये आर्टिमिस कंपनी की जो गन है, तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे अनुमान भाई के साथ उनके कुछ दोस्त भी आए हुए हैं, तो अनुमान भाई उनका तारुफ भी करवा दें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, आपने हमें पेमेंट भिजवाई, तो यही चीज़ होती है। और उनके सामने हम अनुमान भाई के सामने उनकी गन की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो अनुमान भाई ये साथ साथ जो आपके भाई आए खड़े हैं, तो ये इनका थोड़ा सा तारुफ करवा दें। जी शुक्र भाई, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जो है ना, आपने हमें जो है गन मंगवा के दी। और मेरे साथ जो है ना मेरे दोस्त अली भाई, अली कादरी और मोहसिन, ये दोनों जो हैं, तो टाइम कम है इसलिए जो है ना आप इसको जो है ना अनबॉक्सिंग करें। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो कर बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर अनबॉक्सिंग करें, ठीक है। तो थंबनेल में जो भी हमारे साथ भाई हैं, जो जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, वाली भाई हैं, आपने और भी भाई हैं, तो थंबनेल में उनकी तस्वीर मैंने दी हुई है। वो बकर भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेकर इसकी अनबॉक्सिंग करने लगे हैं देसी माहौल में। इससे पहले वो दूसरी बोकर भाई SR1000S की हमने वीडियो बनाई थी कैमो कलर में ना, तो वो बैड लक कह दें, मैंने 15 मिनट की बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई थी, ठीक है, लेकिन वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई थी। जब मैंने पब्लिश कर दी, पब्लिश करने के बाद मैंने देखा सिर्फ वो 2 मिनट की वीडियो चली थी, उसके बाद वीडियो चली नहीं। माशाल्लाह नुमान भाई, अल्लाह ताला इसको नजर बात से बचाए, क्योंकि नुमान भाई की ये काफ़ी दिनों से इस बार गन के बारे में सर्च कर रहे थे कि खिजर भाई मुझे यही गन चाहिए, तो उनकी फरमाइश पे हमने ये गन मंगवाई है। बाकी कुछ भाई कह रहे हैं खिजर भाई हम गन कहीं लेकर जाएं बैग में, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा भाई? बैन हंटिंग के ऊपर है, आप हंटिंग कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, ठीक है ना, गन के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप उनको भाई कह सकते हैं कि भाई आप हमें हंटिंग कर रहे हो तो फिर आपको हम बताएँ, हमें हमारे साथ शिकार बरामद हुआ हो तो तब सही, ठीक है। बाद कुछ अभी एक कस्टमर की कॉल है कि सर मेरी ना PCB गन ख़राब हो गई है, तो क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको कहा भाई आप जहाँ से मर्जी आप इसको रिपेयर करवा लें, कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास दूसरा गन बैग है तो उसमें आप लेकर चले जाएँ, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, इसकी लग रहे माशाल्लाह लुक, पहला फर्स्ट लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ऐसी उस साइड पर लुक दिखा रहे हैं, इस साइड सीधे ना, हाँ ऐसे ऐसे करके ना घुमा के दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत दिलकश, अगर देख के हैरान हो गए होंगे यार, ये भी इसके अलावा गन, ये भी गन निकाल लें, ये स्कोप है 432 पिक जूम वाली, इसकी अनबॉक्सिंग मैं कर लेता हूँ, बाकी गन आप निकाल लें। सिलेंसर, हाँ सिलेंसर उसमें डब्बे में पड़ा था, आप देखिए ना, वो देखिए सिलेंसर भी है। सॉरी, ये दो अनबॉक्सिंग इकट्ठी हो रही है क्योंकि जुमा का वक्त भी है, जुमा की नमाज का वक्त। ये माशाल्लाह 432 पिक जूम वाली गैम्बो की ओरिजिनल स्कोप पे आप चेक कर सकते हैं, लोगो इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। ये नुमान भाई ये देखें, गैम्बो लिखा हुआ है, ये ओरिजिनल इसका व्यू, तीनों मैगजीन है जी। हमारे पास इसका व्यू चेक करें अंदर से, और इसको अगर कोई आपकी कार बत्ती से कहीं इलाके में है तो उसका व्यू भी आप चेक कीजिएगा, ज़मीन आसमान का फर्क नज़र आएगा आपको। ये बिल्कुल क्लियर है सर, ये माशाल्लाह, ये पैक हमारे पास को वेरीफाई करेगा कहीं से कोई शीशा वीशा टूटा ना हो, तो अभी ओके हो गई है, अब टेंशन नहीं है, उसको रिकवर मैंने बाहर रख दिया। और क्या कहता है, देखिए बॉक्स में और क्या है, और इसमें है ये, देखिए
निकालने की क्या चीज़ें वो भी दिखाएँ मुझे भाई। ये माउंट है ठीक है भाई, ये स्पोर्ट माउंट आता है, ये देखें हमारे माउंट है स्पोर्ट जी जी ठीक है। किसी भी टाइप की बनी हुई है हो गया ना, पैलेट दें आपको, पैलेट दें पहले डालते कहाँ पे बावन का चौवन का सिस्टम है ये मैच है ठीक है। सेफ्टी लॉक भी है इसमें जी, सेफ्टी थोड़ा सा भी आप इसको सेट करें फिर बाद में। इसका जो है ना इस गन में एक ये है भी स्कोप के बगैर जो है ना ये गन जो हम यूज़ नहीं कर सकते ठीक है, स्कोप लाजमी है इस गन के लिए। अब तो सिर्फ जो है ना इसका प्रेशर देखेंगे बाकी जो है ना फिर स्कोप लगा के बाद में देखेंगे चेक करेंगे। सेफ्टी लॉक भी इसमें होगा मैं कि या नहीं है? अच्छा सेफ्टी लॉक खत्म कर देना खत्म हो गया प्रेशर तो काफ़ी सारा इसका। अब अगर भैया अपलोड करें एक दफ़ा लोड करें आप इसको अपलोड करें एक दफ़ा जोर लगता है नहीं जोर तो नॉर्मल जो है इतना नहीं लगता वो करते हैं इसमें कैसे कारीगरी लगाई है मैं ये तुमको मत और पैसे मैकेनिज्म टोटली पीसीबी की तरह है इसलिए जी जी बिल्कुल ऐसे ना बिल्कुल ठीक है ज़बरदस्त भाई। इस साइड पर करने वहाँ पर बंदा निकल आए तो वैसे ही लग जाए तो बेहतर है भाई उस बंदे को अगर आए क्यों ना ज़बरदस्त प्रेशर ये तो उसके बगैर तो नहीं चलेगा स्कोप लगा दी स्कोप लगा दी स्कोप लगा दी भाई चली लग रही है वाइस की माशाल्लाह चली लग रही है मैगजीन है ये तीन फिगर ये भी मैगजीन है हाँ ये तीन मैगजीन जा रहे हैं इसमें जो है ना सात तरह के लगने लगते हैं। अच्छा वो मतलब ये सारे एक ही दफ़ा मतलब लोड कर जाएंगे बस पहले ये बिल्कुल ऐसे ये ठीक है ये साथ ये मैगजीन ये ऐसे हाँ ऐसे ही मैगनेट लगा हुआ साथ में इसको ये बोलो मैं कहाँ से हाँ ये अच्छा मुझे भी चलाना मुझे भी चेक करना बोलिए खाली तो नहीं करूँगा ये सेफ्टी वो करना पड़ता है सेफ्टी सेफ्टी अब चल जाएगी देखें ओके ओके कॉल कैसे कर रही अच्छा कैसे वैसी जगह मजे तो नहीं लगे कैसे कर रही सीधी जगह बाकी इसका ये सनसेट स्टॉप भी है इसका के हवाले से आप बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप जब हंटिंग भी जाते हैं तो हंटिंग से वापसी भी आकर मशीनी ऑयल होता कपड़े के ऊपर लगा के इसके सिंथेटिक स्टॉप के ऊपर आप लगा दीजिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये आपने लाजमी इसके ऊपर लगाना ठीक है ना। तो बाकी अगर कोई ये जी टाइम कम है हाँ टाइम कम है हमने बस जस्ट इसकी अनबॉक्सिंग करनी थी इंशाल्लाह जब हंटिंग ऑन होगी तो इंशाल्लाह दोबारा अड्डा गुलाम हुसैन है ना अड्डा गुलाम हुसैन है वहाँ पर जाके अली भाई के पास घोड़े छोड़ भी खाएंगे वहाँ पे भाइयों के पास जाएंगे ये भी अनुमान पे उधर से हैं सारे भाई। हाँ वैसे बेसिकली हमारी जो रिहाइश है ना बेसिकली हमारी रिहाइश जो है ना कोर्ट मुजफ्फर से मैची कोर्ट मुजफ्फर अली भाई भी उधर के रिहाइशी हैं और मौसम भाई ये भी जो है ना बने हुए जो है ना थोड़ा हंड में उनका शुमार होता है हम तो जो है ना नए हैं फिर भी बस ये तो फिर मशवरा किया हमने फिर कोर्ट मुजफ्फर से रहते हैं जो है ना। अच्छा हनुमान भी ये बताएं आपने हमारा मतलब इतने हम करीब हैं मतलब आपको नंबर कहाँ से मिला ये कैसे हमारा ये आपस में ये बना ये तो क्वालिटी मुझे बता दें
ये जदीद दौर है जो है ना यूट्यूब के, आप जो चैनल है ना के एस बिहाड़ी, इसके ऊपर आपने अबाउट के ऊपर जो है ना नंबर नीचे जो है ना दिया हुआ है, ठीक है। वो फिर इसी तरह जो है ना आपसे रब्ता हुआ, मैंने कहा यार भाई हमारे नज़दीकी हैं नूरशाह के रहने वाले हैं, तो फिर जो है ना उनसे ही चीज़ मंगवानी चाहिए। एक फिर जो है ना थोड़ा सा फिर एतमाद भी अब बन गया है, अब इंशाल्लाह और कोई चीज़ मंगवानी होगी तो फिर आपसे, ठीक है। अगर मैं क्लोज़ करें तो चलो जुम्मा का टाइम हो रहा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, और एक दफ़ा भाई आप सारे एक दफ़ा आ जाएँ, ठीक है ना, इकट्ठी हम बैठते हैं यहाँ पे क्योंकि ओपन सा माहौल है, ठीक है यहाँ पे वो जी। लेकिन हमारे चैनल की यही खसूस जहाँ टाइम मिलता है हम बैठ जाते हैं। आ जाए आप बैठ जाए, एक मिनट आ जाए, आ जाए स्नैन बैठ जाए, आपको कोई मसला नहीं है, बैठ जाए। चलो ठीक है, चलो इंशाल्लाह ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, हंसते रहें मुस्कुराते रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा एडिट करें।